थाना कछवा पे जयराम निषाद का आज पिकअप से एक्सीडेंट हो गया है, क्योंकि लाशों को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। भाई साहब थोड़ा कुछ बोलिए, एक्सीडेंट हो गया इनका, देखिए जयराम निषाद, जबकि इनकी कल इनकी शादी थी, 14 जून को इनका शादी था। के अंतर्गत जो है जयराम निषाद का एक्सीडेंट हो गया है और कछवा थाना के प्रभारी जो है आज पोस्टमार्टम के लिए जिला मिर्जापुर भेजे जा रहे हैं। नाम जयराम सहनी, नाम दल सिंगार, निवासी पिपरा डांड, थाना कोतवाली देहात, जनपद मिर्जापुर। बस का आज दिनांक तेरह 6/20 को ग्राम मितई थाना कछवा जनपद मिर्जापुर में पिकअप से एक्सीडेंट, पिकअप द्वारा टक्कर मार कर एक्सीडेंट कर दिया गया ना। हाँ सही है सर, मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। बस मुकदमा पंजीकृत किया गया पिकअप चालक के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया। ये बलिराम निषाद जयराम के भाई हैं। थोड़ा इसमें कुछ बताइए आप, क्या हुआ था जब इनका कल शादी था? बलिराम निषाद जी ये बताइए, जब इनकी कल शादी था आप लोग क्यों यहाँ आने दिए, क्या बात था? अपने मन से निकले थे ना। किस लिए? मसाज करने के निकले थे, क्यों निकले थे मालूम नहीं। भाई दिला मिर्जा पिपराडाल गांव छोड़कर यहाँ पे मितई कछवा थाना गंज के अंदर कैसे आते हैं? उनको हम मना किए थे कि मत जाओ, मत फिर भी जबरदस्ती गए। पंडित जी भी बोलेंगे नहीं जाने का। तो रात में बात कर रहे थे, मतलब शाम को, कि सुबह बात कर रहे थे कि वो दाढ़ी उड़ी कराना है, फेशियल कराना है, ये सब उसी के लिए लगता है, उसकी तैयारी के लिए निकले। अच्छा, तो क्या घर वाले माँ बाप मना नहीं किए थे क्या इनके? मना कर रहे थे लेकिन उनको मतलब फेशियल कराना था जरूरी। अच्छा बलराम निषाद जी ये बताइए, इनका शादी था जो कल, ठीक है इन्होंने गलती किया, ऐसे गाड़ी इनका एक्सीडेंट कैसे हुआ है? जा रहे थे उधर पीछे से कोई धक्का, गाड़ी पकड़ी गई है क्या? गाड़ी पकड़ी गई। कौन सी गाड़ी है? पिकअप है। ड्राइवर सहित पकड़ी गई गाड़ी? ड्राइवर नहीं है। अच्छा ड्राइवर फरार है। 14 जून को कल ही शादी था, अचानक पता नहीं, जबकि ये पिपराडाल गाँव के निवासी थे, पता नहीं यहाँ कछवा थाना के अंतर्गत क्यों आए थे। ये देखिए इसलिए इसमें लाशों का इनका पोस्टमार्टम जाते हुए मिर्जापुर जिला के लिए।